हेलो हाँ जी भाई, क्या हाल है? तो आ गए हैं एक और न्यू वीडियो लेकर। तो भाई कल हमें एक भाई ने कमेंट किया था यार, उसने भी एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि भाई एक कोरोनेशन नाजी पर वीडियो लेके आओ कि भाई असली नकली कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने। देख भाई रियल एग्जैक्टली बात बताऊंगा मैं। देखो ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि भाई हर एक चीज़ का मुझे पता है या भाई मुझे पता नहीं है। जितना मुझे पता है कि भाई ये असली है या नकली है, इस चीज़ें हम पहचान सकते हैं। देख यार कॉपी करने वाले हैं ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ती कि वो कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ देखो जहाँ तक मुझे पता है कि भाई इस चीज़ से हम असली नकली के पहचान कर सकते हैं। क्या पता भाई नहीं भी हो पाएगी, बस जितना मुझे पता है कि भाई हाँ भाई ये चीज़ काम कर सकती है नहीं कर सकती, तो उसके बारे में मैं आज हम डिस्कस करेंगे भाई असली नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं या नहीं भी हो सकती भाई। देखो जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता पाऊँगा, एग्जैक्ट चीज़ मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि भाई पता कर पाओगे नहीं। बस जितना मुझे चीज़ पता है वो मैं आपको वीडियो में दिखाई दूंगा कि भाई ऐसे पहचान कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि भाई, और सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आप उसके पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते नकली के मामले में, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, कोरोनेशन उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक कोरोनेशन ये है, ठीक है ना, एक कोरोनेशन हमने ये उठा चुके हैं। और क्या उठाएं भाई, और कोरोनेशन उठाए कुछ? हाँ, और कोरोनेशन का है हमारे पास रॉकेट, ये भी कोरोनेशन का, ये देख लो आप, ठीक है। एक कोरोनेशन हमने रॉकेट उठा लिया है, और दो वैरायटी का कोरोनेशन उठा चुके हैं, और एक हमने कोरोनेशन का उठा लिया है नवरंग रॉकेट, ठीक है। और अब दूसरा कोरोनेशन है, यहाँ एक चीज़ और थी यार, क्या था वो, हाँ ये रहा, ये भी कोरोनेशन का है, कलर पिंजोर डिलक्स, ठीक है। और कोरोनेशन का पंचावतार 10 और 10 का दम, ये भी कोरोनेशन का ही है, वेट काफ़ी है पेंटा में, 10 के दम में ज़्यादा वेट है। और देखे क्या क्या आइटम है अभी कोरोनेशन का, जो मुझे पता है भाई, जो इस चीज़ हम पकड़ सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है और इससे आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो, तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई ये चीज़, ठीक है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं कि भाई क्या सीन है और क्या सीन है, क्योंकि आज सुबह है ना, मैंने आते ही सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि भाई ये बात भी सही है, और देखते हैं क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। और भाई जैसा भी कुछ है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ सारा का सारा। ये भी कोरोनेशन है, कोरोनेशन है ना, ये भी कोरोनेशन है, और ये भी कोरोनेशन ही है, कोरोनेशन, ठीक है। और एक ये रहा कोरोनेशन, ठीक है। तो अभी कुछ देखते हैं कि क्या सीन है इनका। देखो यार सीधी सी बात है, हमने ये उठा लिया कोरोनेशन का, ठीक है। और इस पर देख लो हर एक चीज़ बारीकी से लिखी हुई है, लाइसेंस नंबर BC5X इंडस्ट्रीज। और तो क्या है यार इसके अंदर, वो मैं देख रहा हूँ कुछ, एक चीज़ और थी इसके अंदर, वो शायद इसके अंदर नहीं मिल नहीं रही है वो, ठीक है। ये देख लो, थोड़ा सा लाइट में दिखाता हूँ, इसके नीचे लिखा हुआ है द कोरोनेशन फाइब्रिक्स फैक्ट्री, ठीक है, वाया सेवा के सेवा काशी। और बाकी भाई ये बार कोड भी स्कैन कर लिया कर सकते हो आप, क्योंकि यार देखो कि नॉर्मल सी बात है, अगर कोई लोकल कंपनी है ना तो वो पैकिंग पर इतना ध्यान नहीं देती, जिनकी बारीक इनकी पैकिंग होती है। अब ये बारकोड स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करते ही उस चीज़ की डिटेल निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास आता है डायरेक्ट कंपनी से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने किसी से परचेस किया, ये किया वो किया, क्योंकि मेरे पास आता है डायरेक्ट कंपनी से। एक ये देख लो द कोरोनेशन फायरवर्क्स फैक्ट्री,
ठीक है, क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है कि एक आइटम एक ही जगह बने, क्योंकि हर एक आइटम में एक अलग अलग जगह बनता है और हर एक पटेखा का अलग अलग लाइसेंस होता है। ये नहीं कि भाई एक लाइसेंस पे एक ही फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको एक डिटेल में दिखाता हूँ। जैसे कि है ना, इसका लाइसेंस नंबर है लास्ट में देख लो, E27455, ठीक है। इसका तो ये हो चुका है, ठीक है। और एक अलग चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि इसका अलग है, ठीक है। ये लाइसेंस नंबर देख लो लास्ट में, E32391, इसका अलग है और इसका अलग है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से भाई ये पता होता है कि भाई हर एक मैन्युफैक्चरर अलग अलग लाइसेंस होती है, कि ना कि कंपनी एक ही लाइसेंस से एक ही मैन्युफैक्चरर मतलब एक आइटम ही मैन्युफैक्चर कर सकते, ये नहीं कि भी अलग अलग आइटम मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, ये हर एक चीज़ उठा के देखो तो उसके पैकिंग से ही पता चल जाता है कि भाई असली है या नकली है। क्योंकि लोकल कंपनी जो होती है वो अपना पैकिंग पर इतना ध्यान नहीं देती। वो अगर वो पैकिंग पर अपना खर्चा लगा देगा नहीं, लोकल कंपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, ब्रांड कॉपी कर लेते हैं, तो वो इतना पैकिंग पर ध्यान नहीं देते यार। देखो जितना मैं जानता हूँ लोकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के डिटेलिंग है ना, डिटेलिंग भी इतनी ध्यान नहीं दे पाती है। ये एक्चुअल रियलिटी बात है ये, ठीक है। अब आ जाओ नाजी, ये नाजी का भी बहुत ज़्यादा फंडा चल रहा है, ठीक है। इस पर जैसे कि लिखा हुआ है नया कोऑर्डिनेशन फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। स्कैन करोगे तो सेम ही आएगा, नया कोऑर्डिनेशन फायरवर्क्स, और इसका लाइसेंस नंबर देख लो 32257, ठीक है। और एक ये भी 3 साउंड रॉकेट है यार। एक चलो एक चीज़ है, एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। काफ़ी बंदे ये सोच रहे हैं कि भाई ये देखो इस पैकिंग की, ये इसकी पैकिंग देख लो आप एक बार, ठीक है। और ये स्टिकर देख लो भाई, ये चीज़ है ना कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। लोकल चीज़ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी देखने को उसकी, है ना। आप अगर पैकिंग उठा के देखोगे ना तो वो इतनी हैवी नहीं मिलेगी उस पर। थोड़ा सा एक देख लो कि थोड़ा सा यार ये देखो कि यार नहीं यार वो बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, कि वो बात नहीं है इसमें यार, ठीक। तो सिंपल सी बात है, उसकी पैकिंग से ही अंदाज़ा लगा लेना आपकी कुछ चीज़ है या नहीं है। डिटेलिंग देख लो डब्बे की, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ कि भाई कंपनी ने थोड़ा सा क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है, क्योंकि आपकी बार ग्रीन फायरवर्क्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और भाई वॉइस कैलकुलेशन पर भी ये चीज़ होती है कि भाई ये नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से ही बारदू ढूंस देगी अंदर और चल जाएगा, ठीक है। तो भाई एक डब्बे से ही पता कर लो। और इसका शायद एक चीज़ और मुझे सुनने में आई थी कि जो डब्बे का साइज़ होगा ना वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। नकली डब्बा मुझे मिला नहीं, काफ़ी जगह मैंने कोशिश की थी, ठीक है। तो वो अगर नहीं तो मैं कंपैरिजन वीडियो, आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। एक डब्बा मैंने शायद खोला भी हुआ था, उस पर मैंने क्या किया था कि ये लेवल हटाने की कोशिश करी थी और ये लेवल है ना हट चुका था। बाकी क्योंकि मैं ये बात नहीं है कि भाई पीछे से ये चीज़ कर देंगे वो चीज़ कर देंगे, ठीक है ना। ये जो लेवल होते हैं ना ये भाई ब्रांडेड कंपनी देती है अपने प्रोडक्ट पर, और बात कुछ नहीं है। ये जो लेवल होते हैं ना ये ब्रांडेड कंपनी ही प्रोवाइड कराती है अपने डब्बे पर, ठीक है। अगर लोकल कंपनी अपनी पैकिंग पर ध्यान देगी, अपने पैकिंग पर खर्चा लगाएगी ना, तो भाई क्या बचा पाएगी? कुछ नहीं बचा पाएगी। कॉपी कर लेंगी तो कॉपी उसकी बहुत महंगी होगी इस हिसाब, ठीक है। देखो मेरा तो मानना ये, बाकी यार देखो सामने वाले बंदे क्या सोच रहा क्या नहीं सोच रहा उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। एक ये है कोऑर्डिनेशन 3 साउंड रॉकेट, क्यों भाई ये भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्या? चलो हाँ ये बात भी आपसे पूछ लेता हूँ एक बार मैं। ये भी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी है भाई। नहीं भाई ये देखो नीचे देख लो, इस पर भी क्या लिखा रहा है, नया कोऑर्डिनेशन फायरवर्क्स, ठीक है। और ये जो लिखा हो ना कोऑर्डिनेशन ऑफिशियल @gmail.com, ये जीमेल आईडी आपको सेम मिलेगी, लाइसेंस नंबर चेंज मिलेंगे हर एक अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग, जैसे कि पेंटअप अलग था और नाजी पर अलग था, ठीक है। तो एक पैकिंग देख लिया करो, कोऑर्डिनेशन की को बात कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, चाहे आप कोऑर्डिनेशन उठा लो और क्या कहें, चाहे आप राजेश्वरी उठा लो, एक डब्बे की पैकिंग से ही पता चल जाता है कि भाई, डिटेलिंग देख लो डब्बे की, उसी से पता चल जाता है कि भाई क्या चीज़ है। एक देखो सुनो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये है राजेश्वरी की पैकिंग, ठीक है, थोड़ी शाइनिंग भी है और डिटेलिंग भी, ठीक है। और एक पैकिंग है भाई साहब ये मरकरी की, ठीक है, मरकरी की क्वालिटी थोड़ी ले रहा है, तो उस हिसाब से डब्बे की भी क्वालिटी देख लो यार, ठीक है।
उसी हिसाब से आप डब्बे की भी क्वालिटी देख लो, ठीक है। तो भाई जो कुछ मुझे मालूम था, जैसा कुछ मैं बता पाया, वो आपके सामने था, ठीक है ना। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तो भाई प्राइज नए आ चुके हैं, जिस भाई को पटाखे लेने हो तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं नई लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। ज़्यादा डिफरेंस प्राइजों में नहीं है, 5 से 10 रुपये का ही फ़र्क होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ये पंचावतार है, 115 रुपये का सेल होगा अभी, ठीक है, 115 रुपये का कोरोनेशन का होगा। तो इसी से अपन पिछली लिस्ट थी अपने पिछले मंथ की, उसमें 105 रुपये था, तो इस मंथ की प्राइजिंग है इसकी 115 रुपये। तो भाई ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी ना, तो भाई देखो यार, किसी को बुरा लगे चाहे कुछ लगे, मैं जो चीज़ है वो मैं फेस टू फेस बोलता हूँ, इसमें कहने वाली कोई शिकायत वाली चीज़ नहीं है कि सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई हाँ भाई भाई तो बेवकूफ़ बना रहा था ये, क्योंकि पिछली वीडियो में जितनी भी वीडियो पिछले महीने मेरी आई थी ना, तो हर एक महीने में ये मैं बोल रहा था हर एक वीडियो में कि भाई ये प्राइज सिर्फ 31 तारीख है, ये प्राइज 31 तारीख। बस जिस भाई को पिछले महीने में वो प्राइज नहीं मिले हो तो मुझे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, 5-10 रुपए का आपको हर एक बॉक्स पर फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले बताऊँ, जिस भाई को भी लिस्ट चाहिए हो नई लिस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो है चीज़ वो आपके सामने है। और रिटेल होलसेल प्राइस कब तक चलेंगे, 10 तारीख 15 तारीख, तो उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब रिटेल होगी ना भाई, कोई छुपाने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी, सीधी सी बात है, रिटेल होगी ना तो ये डब्बे का रिटेल प्राइस कम से कम 150 रुपये स्टार्ट होगा, ठीक है। 150 रुपये से लेगा रिटेल में, तो अभी 115 में दे रहा हूँ ना, इस मंथ के अभी के प्राइस होलसेल प्राइस चल रहे हैं इस मंथ के पंचावतार के कॉर्नेशन के 115 रुपये। तो भाई रिटेल प्राइस जब स्टार्ट हो जाएंगे तो 150 रुपये से शुरू हो जाएगा। पेंटा कोई भी पेंटा उठा लो, चाहे आप KS का पेंट उठा लो, चाहे आप मरकरी के पेंट उठा लो, तो 150 रुपये से स्टार्ट होंगे, ये बात आपको पहले बताता हूँ। और अभी जो आपको होलसेल प्राइस, शायद इसका प्राइस अभी बालाजी 3 पीस का प्राइस अभी 225 या 230 मैंने कर दिया है, इसकी इनके भी हर एक डब्बे पे 10-10, 15-15, 10-10, 5-5 रुपये का फर्क आ चुका है, ठीक है। तो ये डब्बा है ना, और दिवाली पर रिटेल में 300 रुपये का होगा, ठीक है। अगर किसी को भाई क्यों महंगा लगे तो भाई बेझिझक हो गया, अगर इससे सस्ता मिले ना बालाजी का तो कहीं से भी उठा सकता है, मैं कोई ये जोर से नहीं, जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है भाई, तो अगर मेरे प्रोडक्ट मेरे रेट अगर महंगे लग रहे हो तो भाई जहाँ से आपको सस्ते मिले तो भाई बेझिझक हो गए यार, उठा सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। मुझे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, जो मैं दे पा रहा हूँ, जो मैं दे सकता हूँ वो भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, जो मुझे पता था जितना भी कॉर्नेशन आता, देखो भाई मेरे पास आता है कॉर्नेशन ना जी डायरेक्ट कंपनी से, चाहे कोई भाई भी मुझे बोले कि भाई नकली है, ये है वो है, तो भाई मेरे पास कॉर्नेशन ना जी है, चाहे वो कॉर्नेशन फोल्ड है, तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं हर एक कंपनी के डायरेक्ट मेरे पास कंपनी से ही आते हैं, ना कि मैं किसी थर्ड पार्टी से माल उठाता हूँ, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अब तो कंपनी भाई ये टेप भी देने लगी है, तो भाई कॉपी करने वाले कहाँ कहाँ तक कॉपी करेंगे, डब्बे की भी कॉपी करेंगे, टेप की भी कॉपी करेंगे, तो भाई अगर इन चीज़ों की कॉपी करेंगे तो दिवाली के बाद क्या मोठ बनाएंगे वो, ठीक है। और अभी अगर ये आपको मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ ना होलसेल प्राइस में, तो क्या कितने रुपये, अगर सामने वाला बंद 80 रुपये बोल रहा है, 70 रुपये बोल रहा है, 60 रुपये बोल रहा है, तो सीधी सी बात है भाई नकली है वो। कॉर्नेशन का भाई होलसेल प्राइस अभी का 100 रुपये है, ठीक है। इससे नीचे शायद अगर कोई दे रहा है ना, देखो 90 रुपये तक का होलसेल कोई दे देगा, ठीक है, मुझसे सस्ता, बाकी भाई 90 रुपये से सस्ता नहीं देगा कोई भी, 85 भी नहीं देगा, 80 भी नहीं देगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर मैं 100 का दे रहा हूँ तो अगर कोई दूसरा भाई होलसेलर होगा तो 90 रुपये तक का भी सेल आपको कर देगा, बाकी 90 से नीचे नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो भाई जितना मुझे मालूम था, जितना मुझे पता था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।